वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षवादी व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है देव उठनी एकादशी और मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी फैमिली को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि मुझे करनी है देव उठनी एकादशी की पूजा। और ये गेरू जो है वो मैंने मंगवाया है अक्षु से भी शॉप से, तो इसको मैं भिगा लेती हूँ पहले थोड़ा सा, फिर मुझे जो भी कुछ बनता है वो बनाना है इस गेरू से। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं और वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और सासू माँ गई हुई हैं अभी बाहर कीर्तन में और वो ये चीज़ बोल कर गई थी कि कर लेना ये सब काम, अब आ जाएंगी तो भाई डांट पड़ने वाली है, और फटाफट से चलते हैं तो ये काम कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आज के दिन हमारे यहाँ बहुएँ बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है, मतलब उनका पूजन किया जाता है। सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके के रिवाज होते हैं, रीति होती हैं देव उठनी एकादशी के दिन। सभी लोग अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी वॉल पर, खासकर मैं तो किचन की दीवार पर ही करती हूँ, मुझे ऐसा पूजा का जो भी काम करना होता है तो किचन की दीवार पर मुझे सबसे ठीक लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक प्लेन पेपर लेकर उसको दीवार पर पहले चिपका लिया था जिससे कि वॉल जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अभी पेंट करवाया था दिवाली पर ही। और अपने घरों में ज़्यादातर सभी लोग जो है वो ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन पेपर जो था वो चिपका लिया था और उसके ऊपर से मैं यहाँ पर जो है आप इनको बहुएँ ही बोल सकते हैं, बोला जाता है हमारे यहाँ कि बहुएँ बनाई जाती हैं उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुएँ बना रही हूँ, मेरे तो खैर एक ही बेटा है लेकिन मैं दो बहुएँ बना रही हूँ यहाँ पर। अब जो भी है, वैसे ये होता है कि पांच बनाई जाती हैं शायद, और मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। हमारी सासू माँ को ज़्यादा जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, बट वो भी है नहीं घर पे, वो चली गई हैं बाहर और ये मुझे बोल गई हैं कि ये सब काम करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे जितना समझ आएगा उतना ही मैं कर रही हूँ। तो मैंने जो है वो दो बहुएँ बनाई हैं यहाँ पर दीवार पर और उनको मैंने पूरी और चीनी के साथ में पूज दिया है। तो फ़िलहाल ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका था किचन का जो हमें करना था वो, और अभी हम आ चुके हैं अपने घर के लॉन में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि गेरू को भिगा लिया है पानी के अंदर और उसको भिगाने के बाद में मैं यहाँ पर ज़मीन पर बना रही हूँ देव, जो कि इनकी भी पूजा की जानी है और क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है। तो सभी के यहाँ वैसे मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। तो पहले गांव में क्या होता था, गांव का मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग नहीं करते हैं और उनको गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि वहाँ कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी। तो गांव में जो क्या होता था, पहले देव उठनी एकादशी के दिन पूरे घर में इसी तरीके के डिज़ाइन बनाए जाते थे। जो भी घर के दरवाजे होते थे सभी के सामने जो है बॉर्डर टाइप का जो होता है वो बनाया जाता था गेरू से, और वाइट कलर का जो खड़िया वगैरह जो पहले चलती थी जिनसे हम लोग लिखते थे, आजकल के ज़माने में चौक ज़्यादा मिलती हैं जो स्कूलों में बोर्ड पर लिखने के काम आती हैं, उनसे पूरे घर को जो है ऐसे ही डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो गाइज अभी हमारे देवठान जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं, जो देव हैं वो हमने बना दिए हैं और वो मैंने ना यहाँ ज़मीन पर बनाए हैं, वो भी गेरू से बनाए हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाई इसकी पिक, ये बने हुए हैं और हमने पेंट करवाया था ज़मीन पर से, पेंट जो है वो छूटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की थी लेकिन वो छूटा ही नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो थोड़ी थोड़ी सी वाइट वाइट छीट आ रही है ना वो उसी पेंट की है। और बस वैसे तो मुझसे बनाने नहीं आते हैं लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली बना दिए हैं। तो चलिए इनकी भी पूजा अर्चना कर लेते हैं, और जो कुछ भी सामान है वो गन्ना हमारे पीछे रखा हुआ है, सिंगाड़े हैं और थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह है वो रखी जाती है, तो चलिए फटाफट से उसको भी रख देते हैं। और देव उठनी एकादशी का हमें सभी लोग दिल खोल कर बाहें खोल कर स्वागत करते हैं क्योंकि आज से हो जाएंगी शादी ब्याह स्टार्ट और सबके घरों में शहनाइयाँ बजेंगी।
तो हमने तो अपना काम कर दिया है यहाँ पर, और जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो थोड़ी थोड़ी करके रखी जाती हैं, और इसके साथ में रखे जाते हैं सिंघाड़े और जो आपका गन्ना होता है वो रखा जाता है। तो फ़िलहाल हमने रख दिया है, चलिए अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मैरिज होम में क्योंकि इनविटेशन आया है हमारे घर पे। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब आधी आधी रेडी हुई हूँ, मैं पूरी रेडी नहीं हुई, और मैंने जो अपनी साड़ी वगैरह है जाने के लिए वो निकाली हुई है वहाँ पे। तो मैंने अभी सोचा कि थोड़ा सा जो है, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा जो हल्का फुल्का लाइट मेकअप है वो कर लेते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, थोड़ी सी क्रीम लगाई है, थोड़ा सा लाइनर लगाया है, आप देख सकते हैं, बस ऊपर लगाया, बाकी कहीं नहीं लगाया। लिपस्टिक रह रही है, बस मुझे वो लगानी है और अपनी बिंदी चेंज करनी है, और बाकी मुझे बैंगल्स पहनने हैं और साड़ी पहननी है, तो इतना मुझे करना है फिलहाल। तो अभी लेट हो जाएगा क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है तो अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी, और अंधेरा फिलहाल हो चुका है क्योंकि 6 बज रहे हैं। तो चलिए फटाफट मैं तैयार हो लेती हूँ, फिर मिलती है आपसे थोड़ी देर बाद। डांस करके देखिए थोड़ा सा, ऐसे ऐसे कर देना, यही नाचने लग करूंगा डांस। मेरा बर्थडे तो आने दो। कब आएगा तेरा बर्थडे? सितंबर, साल का आखिरी 1 जनवरी से 5 दिन पहले। अब आप डेट कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 जनवरी से 5 दिन पहले मेरा बर्थडे पड़ता है, मतलब कौन सी डेट को है। इतना बोल रही है, मुझे आवाज गायब करनी पड़ेगी, गाना बजाए। तो ये है देव उठनी एकादशी के बाद का नेक्स्ट डे, यानी कि 23 की देव उठनी एकादशी थी, और ये है 24। तो अभी है शादी सीज़न स्टार्ट, और हम लोग आए हैं दावत खाने के लिए क्योंकि हमारे अभी इनविटेशन था 24 तारीख का। तो हम लोग यहाँ पर दावत खाने के लिए आए हैं, और आप देख सकते हो कि आदि किस तरह से इंजॉय कर रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।